दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच 50K सब्सक्राइबर्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिसने भी मेरा सपोर्ट किया है, जिसमें वो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो उन्हीं सब व्यूवर्स के लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। सभी व्यूवर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझसे पूछते थे कि सर आपके पास कौन सा प्रोसेसर, आपके पास कौन सा CPU है जिसमें आप वर्क करते हैं, आपके पास कौन सा सिस्टम है जिसमें आप वर्क करते हैं। तो अभी तक तो जो मेरे पास सिस्टम था वो डेल का मैं यूज कर रहा था, जो i5 था, 3rd जनरेशन था, 8GB रैम के साथ इनबिल्ट आपका ग्राफिक कार्ड था, तो मैं अभी तक उसमें ही काम कर रहा था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं अपने आप को अपग्रेड करूं, तो रिसेंटली मैंने एक CPU परचेज किया है। मैं लैपटॉप नहीं लिया, क्योंकि एज कम्पेयर टू लैपटॉप CPU की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। तो मैंने परचेज किया है एक CPU, जो ये CPU आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो बहुत ही अच्छा CPU है। इसके बारे में आज आपको कुछ बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं कोई भी CPU या फिर कोई लैपटॉप परचेज करने का सोच रहे हैं, तो आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कौन सा परचेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू होता है आपके बजट का, आपके पास अच्छे से बजट नहीं होता और आप अच्छा सिस्टम परचेज करना चाहते हैं, तो बजट वाइज आप कैसे परचेज कर सकते हैं, क्या आपका बजट रहेगा, कैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, और सबसे बड़ी बात की जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, 3D सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, उनके लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, तो आज सब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मैंने CPU लिया है वो मैंने लिया है, जो प्रोसेसर है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की, क्योंकि सबसे मेन होता है प्रोसेसर आपके CPU में। तो सबसे पहले आप बात देख रहे हो यहाँ पे Ryzen का मैंने प्रोसेसर लिया है। Ryzen है आपका, अगर मैं आपको बताऊं, AMD 3rd जनरेशन Ryzen 9 3900X जो मैंने डेस्कटॉप प्रोसेसर लिया है। ये इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है अराउंड 45,472 रुपीज विद GST। GST के साथ मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूं, ये कॉस्टिंग मेरे को Ryzen 9 प्रोसेसर की पड़ी है। काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है। इंटेल का मैंने नहीं लिया, क्योंकि i9 में ले सकता था, बट मेरे को कहीं मैंने बहुत रिसर्च किया तो Ryzen प्रोसेसर काफी अच्छा मार्केट में है, तो इसलिए मैंने Ryzen प्रोसेसर को ही परचेज किया है। प्रोसेसर की बात करते हैं मदरबोर्ड की। जो मेरा मदरबोर्ड है, आप देख पाएंगे जो मदरबोर्ड मैंने लिया है वो MP GigaByte X570 मैंने मदरबोर्ड लिया है यहाँ पे। तो इस टाइप के प्रोसेसर को झेलने के लिए एक हैवी मदरबोर्ड की जरूरत होती है, तो मैंने यहाँ पे MP GigaByte X570 Aorus Elite Wi-Fi वाला मदरबोर्ड लिया है। Wi-Fi एंड ब्लूटूथ इसमें इनबिल्ट है, काफी हैवी प्रोसेसर मदरबोर्ड है, बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल करेगा। जो आपका प्रोसेसर है बहुत अच्छे से इस टाइप की मशीन को झेलने के लिए इस टाइप के मदरबोर्ड की हमें जरूरत पड़ती है। आपका उसका जो मेरे को रेट पड़ा है वो 27,320 रुपीज, 27,320 रुपए का मेरे को विद GST मेरा मदरबोर्ड पड़ा है। इसके बाद बात करते हैं रैम की। जो रैम है यहाँ पे मैंने रैम ली है, आप देख रहे हैं HyperX की रैम ली है, 16 GB की चार रैम ली है मैंने यहाँ पे, 3200 GHz की। चारों का रेट मेरे कोई अराउंड 29,000 पड़ा है विद GST। जो रैम है काफी अच्छा है, 64 GB रैम है, अच्छे से प्रोसेसिंग के लिए जब आप 3D रेंडरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड की इनकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड भी मैंने सर्च किया कि इस टाइप के प्रोसेसर के साथ कौन सा ग्राफिक कार्ड सही रहेगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफिक कार्ड मैंने GigaByte GeForce RTX 2070 सुपर मैंने यहाँ पे यूज किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8GB का आपका ग्राफिक कार्ड है, GeForce RTX ग्राफिक कार्ड है, जिसकी कॉस्ट मेरे को अराउंड पड़ी है 48,400 के अराउंड मेरी इसकी कॉस्ट पड़ी है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफिक कार्ड। जब आप रेंडरिंग निकालते हो तो ग्राफिक कार्ड का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, तो मेक श्योर कि ग्राफिक कार्ड आपका अच्छा हो। अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं होगा तो आपको 3D रेंडरिंग निकालने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की। मैंने दो टाइप की हार्ड डिस्क इसमें यूज की है, एक SSD यूज की है जो 512 GB की रैम है, सैमसंग मैंने यूज की है, जो आपका अराउंड SSD का M2 की यूज किया है, M2 SSD सैमसंग 512 NVMe की यूज किया है, जिसका कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है विद GST 7,250 रुपीज, 7,250 रुपए मेरे को इसकी कॉस्ट पड़ी है। और उसके साथ मैंने 2TB की
WD की हार्ड डिस्क मैंने यूज किया है स्टोरेज के लिए, जिसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है कोई 5450 के अराउंड। आपको कॉस्टिंग साथ में दिख भी रही होंगी आपकी स्क्रीन पे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट की। जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे वाला कैबिनेट इसको रखने के लिए चाहिए होता है जब आप इस टाइप की मशीन को यूज करते हैं। जो मैंने कैबिनेट यूज किया है आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो मैंने यूज किया है आपका कैबिनेट कूलर मास्टर केस H500P मैंने यहाँ पे यूज किया है। ATX मिड टावर केस है विद 200mm RGB फैन के साथ है। काफी अच्छा कैबिनेट है, काफी सॉलिड है, लुक वाइज भी काफी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड कूलिंग की। जब हम इस टाइप की मशीन को यूज करते हैं तो उसको कूलिंग के लिए बहुत अच्छी एक लिक्विड कूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो लिक्विड कूलिंग के लिए मैंने जो यहाँ पे यूज किया है वो मैंने यूज किया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विड कूलिंग के लिए CPU फैन एनटेक का मर्करी 360 RGB ऑल इन वन लिक्विड CPU कूलर मैंने यहाँ पे यूज किया है। काफी अच्छा है, एनटेक का है, काफी अच्छा लिक्विड कूलिंग है यहाँ पे, जिसकी प्राइस मेरे को पड़ा है कोई 11,510 रुपीज विद GST जो मेरे को इसका लिक्विड कूलिंग का प्राइस पड़ा है। और जो मेरा कैबिनेट था उसका प्राइस मेरे को पड़ा था कोई 13,570 रुपीज विद GST जो आपका कैबिनेट का प्राइस था। अब इन सब मशीन्स को झेलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक काफी अच्छे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई जो मैंने यूज किया है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैंने गीगाबाइट का 2700H यहाँ पे यूज किया है पावर सप्लाई, SMPS गीगाबाइट GP 2700H, जिसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है कोई अराउंड 5900 रुपीज जो पावर सप्लाई है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे अभी, अब अगर आपके पास इन्वर्टर है USB वाला, आपके UPS वाला इन्वर्टर है तो आपको जरूरत नहीं है UPS की। बट जब आप यूज कर रहे हो और अगर आपके पास ऐसा कोई लाइट सोर्स नहीं है, अगर आपकी लाइट कट करती है वहां पे, तो आपको एक UPS की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैंने जो UPS परचेज किया है आप देख पाएंगे यहाँ पे मैंने APS का बैक UPS यूज किया है, ये वाला जो है आपका UPS APC 1100VA, जिसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है अराउंड 6300 विद GST। तो एक ओनली CPU की कॉस्ट अगर आप देखें तो मेरा कोई अराउंड 2 लाख के अराउंड, मेरा 2 लाख से ज्यादा ही हो गया है एक ओनली CPU की कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं मॉनिटर अभी मैंने परचेज नहीं किया है, मेरे पास सैमसंग की स्क्रीन है, मैं अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैं आगे आने वाले टाइम में मॉनिटर भी परचेज करूंगा, कोई अराउंड 20-30,000 के अराउंड मेरा मॉनिटर भी आएगा। तो ये था एक CPU जो मैंने परचेज किया, काफी अच्छा मेरा ड्रीम सिस्टम भी है और इससे आगे भी मैं वो और अच्छा सिस्टम परचेज करने की ट्राई करूंगा या इसको ही अपग्रेड करने की ट्राई करूंगा अगर मेरे को नीड हुई तो। अब बात आती है कि ये तो हुआ मेरे सिस्टम की बात जिसमें मैं रेंडरिंग या 3D वर्क अपना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे पास बजट है 50,000-60,000, कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा, कौन सा सिस्टम सही रहेगा। तो सबसे पहले याद रखें कि जब आप लैपटॉप या सिस्टम परचेज कर रहे हो एज कम्पेयर टू लैपटॉप, आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन भी हो तो। बट वो कैरी करने में इजी होता है लैपटॉप, इसलिए लैपटॉप लेना थोड़ा सा ज्यादा सही रहता है लोगों के लिए। तो अगर आप सिस्टम ले रहे हो तो आप ध्यान रखें कि मिनिमम जो प्रोसेसर आप लें, अगर आप इंटेल ले रहे हैं तो मिनिमम i5 लें या उससे हायर लें, क्लियर है। राइजन ले रहे हो तो राइजन 5 आप प्रोसेसर ले सकते हैं। उसके साथ रैम, अगर आप 3D रेंडरिंग करते हैं, आप 3ds Max यूज करते हैं, आप Revit यूज करते हैं, आप Enscape Lumen यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मिनिमम जो आप ले सकते हैं, मिनिमम आप रैम उसके अंदर डलवाएं कम से कम 16GB की रैम आप मिनिमम उसके अंदर जरूर रखें। उसके बाद बात करते हैं जनरेशन की, थोड़ा सा लेटेस्ट जनरेशन पे ही रहें, जैसे 8th-9th जनरेशन जो अभी लेटेस्ट में चल रही है वो आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर बात करें ग्राफिक कार्ड की, मिनिमम 4GB का ग्राफिक कार्ड NVIDIA का या GTX अगर मैं बात करूं इसके लिए जो Ryzen के लिए मैंने परचेज किया है, तो मिनिमम 4GB का ग्राफिक कार्ड आप जरूर रखें। और उसके साथ अगर आप SSD के साथ लेते हैं, मिनिमम 256 SSD तो आप जरूर लें, 1TB स्टोरेज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप लेना चाहते हैं। तो ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आप ले सकते हैं और ये मार्केट में अराउंड आपका 50-60-70 के अराउंड भी आपको मिल जाएगा, जो भी कंपनीज के अलग अलग रेट हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, सभी अच्छे चलते हैं।
बस ये है कि आप जब भी इन चीजों को परचेज करें तो ध्यान रखें कि आपका मोटिव क्या है, आपको गेम्स खेलनी है, आपको उसमें सॉफ्टवेयर्स प्ले करने हैं, आपको रेंडरिंग निकालनी है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट होता है रेंडरिंग का। जब आप 3ds Max की रेंडरिंग निकालते हो विद V-Ray तो आप भी देखते होगे कितना टाइम लगता है, दो दो तीन तीन चार चार घंटे भी लगते हैं, या तो पूरा पूरा रात ही निकल जाती है एक रेंडरिंग में। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप परचेज करना चाहते हैं कोई न्यू सिस्टम तो एक अच्छा सिस्टम ही परचेज करें, क्योंकि आगे आने वाले 4-5 साल तक आपको उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट ना हो। बट ये डिपेंड करता है आपके बजट पे भी। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अच्छे सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, या अगर आपका बजट लो है तो मिनिमम इतना तो आप सिस्टम लें ताकि आप उससे जो आप जिस काम के लिए आप उसे परचेज कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो काम आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये था आज की वीडियो में जो मैंने आपको सब बताया यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत सही लगी होगी नॉलेज। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू सो मच अगेन 50K सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और आगे चल के आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।